और वो मन हा गिरासेनियों के देश डहर गिन जेहर झील के बाहर गलील के आगू में हावे। और परेत आत्मा ओमे से निकल के सूरा मन में समा गई। यारे चल दे ये मंत्र वाले हमला छोड़ दे, याले भाग जा, हमला छोड़ दे, भाग जा। ते हैं जिहां जावे मुँह तोर संग संग जहूं, मुला अपन संग ले जा। अपन घर लौट और बता कि परमेश्वर तोर बर का करी से। जौन कबर मा प्रभु यीशु के शरीर रखाए रहिस वो अब रीता हवे। अपन क्रूस पर मरे के तीसरा दिन पाछू वह जी उठिस, वह जियत हवे, वह तुम्हार जीवन मा आना चाहते। यीशु हा कहिस, पुनरुत्थान और जीवन में ही चाहो, जो कोई मोर ऊपर विश्वास करही वो हमर घलो जाहि तब ले जियत रही। यीशु ला मुर्दा मन ले जी उठे लगभग 2000 बछर हो गए। अब आज घलो वो हा ये संसार मा अड़बड़ महान सामर्थी और प्रभावशाली मनखे के जैसे जियत हावे। पहले युग के प्रभावशाली मनखे मन ये संसार मा आईन और चल दिन, राजा, विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक और जम्मो धर्म गुरु आईन और चल दिन। तब ले यीशु आज खलोक जियत हावे। आज तक जियत सब मनखे ले वो अनोखा हावे, ओखर जन्म अनोखा रहिस। बाइबिल हमला बताते कि वो हा कुंवारी मरियम ले पैदा होय रहिस। ओकर जीवन अनोखा रहिस, वो ईश्वरी शक्ति से भरे रहिस, वो पाप रहित पवित्र जीवन जीस और अतेक महान अचरज कर्म करिस जैसन कोई दूसर नहीं कर सके। ओकर उपदेश अनोखा रहिस, जौन ओला मुक्तिदाता और प्रभु ग्रहण करते वो जम्मो झनला मया माफी और जीवन के नवा रद्दा देते। जौन मेर ओकर संदेश पहुंचिस तौन मेर नवा जीवन, नवा आशा और जीवन के नवा उद्देश्य देखे माइस। क्रूस पर ओकर मरना अनोखा रहिस। 2000 बछर पहले ये दुनिया के परमेश्वर हा अपन एक लौता बेटा यीशु मसीला मनुष्य जात के पाप बर बलिदान होए बर पठोइस, वो तुम्हार बर मरिस। ओकर जी उठना अनोखा रहिस, ओकर मरे के तीसर दिन पाछू इतिहास के सबसे अचरज घटना घटिस, यीशु हा मरे ले जी उठिस। ओखर जन्म, जीवन, मरण और जी उठना ये सब प्रमाण देते कि प्रभु यीशु अपन दावानुसार सही मा मनुष्य जाति के उद्धार करैया और परमेश्वर के बेटा है। वही यीशु आज खलोक जियत हावे, वो चाहते कि वह तुम्हार जीवन मा आवे, तुम्हार पाप ला माफ करे और तुमला बहुतायत के जीवन जिए के ताकत दे।
ओखर वचन ला सुनो। हे जम्मो मेहनत करैया आओ बोझ से दबे मन, मोर करा आओ, मैं तुमला आराम दूँ। रद्दा और सच्चाई और जीवन में ही चाहूँ, मोर बिना कोनो पिता करा नहीं पहुँच सके। बाइबिल हमला बताते कि सब्बो मन हा पाप करे हैं और परमेश्वर के महिमा ले दूर हावे। बाइबिल यहू घलोक बताते कि पाप के बनी मौत हावे, तब ले परमेश्वर के दान हमार प्रभु यीशु मसीह मा अमर जीवन हावे। प्रभु यीशु अपन मौत ले तुम्हार पाप के कीमत ले चुका देस। यही बेरा वह तुम्हार जिंदगी में आए बर तैयार हावे। देखो, मैं कपाट में ठाड़े खटखटा था, जोन मोर आरो लसुन के कपाट ल खोली त मैं हा ओकर करा भीतरी आहूं। ओकर माया और माफी के अनुभव और अजर जीवन पाए बर ओकर बलिदान खातिर ओला अपनाए और प्रतीति करके ओला न्योता देबर पर ही। फिर जौन तुम्हार मनसा है तब विश्वास की ये प्रार्थना ल कर सकत हो और यीशु प्रभु तुम्हार जिंदगी मा आही। प्रार्थना ऐसा हवे, मैं येला आगू कहूँ। प्रभु यीशु, मोला तोर जरूरत हवे, मोर बर क्रूस ऊपर परान दे बर तोला धन्यवाद। मैं हर अपन जीवन के द्वार खोल के तोला अपन प्रभु उद्धार करई अपनावत हूँ। मोर जीवन ला अपन बस मरक और जैसन ते चाहत हस वसने मन के मोला बना। आमीन। जौन ये प्रार्थना तुम्हार हृदय के मनसा ला प्रगट करत है त जौन मेर तुम्हार हवो ये प्रार्थना ला इही बेरा करो। मोर पाछू पाछू मन मा एला बोलाओ, मैं हर एक एक वाक्य करके एला बोलूं। प्रभु यीशु, मोला तोर जरूरत है, मोर बार क्रूस पर परान दे बार तोला धन्यवाद। मैं अपन जीवन के द्वार खोल के तोला अपन प्रभु और उद्धार करैया अपनावत हूँ। मोर जीवन ला अपन बस मा रख और जैसन ते चाहतस तसने मन के मोला बना। आमीन। जबकि तुमन ये विश्वास के प्रार्थना करे हो और यीशु मसीह ला अपन जिंदगी में आए के न्योता दे हो, तब बेशक ये विश्वास कर सकत हो कि अपन वचन अनुसार वो हर तुम्हार जिंदगी मा आगे हवे। तुमन विश्वास कर सकत हो कि तुम्हार जम्मो पाप के माफी हो गए हवे, तुमन परमेश्वर के लयका आओ और तुम्हार करा अजर जीवन हवे। कहूँ तुम बहुतायत के जीवन के जेकर वाचा प्रभु यीशु करिस हवे अनुभव करे बर चाहत हो, ता प्रार्थना में रोज रोज ओकर से गोठियाओ, ओकर बानी पढ़ के अपन जीवन बार ओकर अचरज मनसाला खोजाओ और दूसर मन संग जे मनोला माया करते ओकर संगत करो और आखिर में ओकर अद्भुत प्रतिज्ञा मनला सुरता रखो। मैं तुम्हाला कभी ने बिसराव न त्यागो, देखो मैं दुनिया के अंत तक सब्बो दिन तुम्हार संग हूँ।